वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर दीजिए। नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रेवल में आपका जौनपुर जंक्शन से बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो की शुरुआत हम मैप से कर रहे हैं ताकि आपको लोकेशन समझ में आ जाए कि जौनपुर जंक्शन कहां पर पड़ता है। तो जौनपुर जंक्शन, जहां पर सामने आप येलो रंग का देख रहे हैं, पीले रंग का स्टेशन का बोर्ड, ये जौनपुर जंक्शन है जो कि हमारे उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल में आता है। यहाँ पर वर्तमान में 5 प्लेटफॉर्म्स हैं और 54 ट्रेन्स यहाँ पर ठहरती हैं। 6 ट्रेन्स यहाँ से ओरिजिनेट करती हैं और यहाँ पर फिलहाल डबल लाइन का जो कार्य है इलेक्ट्रिफिकेशन का, वो चल रहा है। और इस स्टेशन का जो कोड है JNU है। ये वीडियो भेजा है सुनील भाई ने। तो जैसा आप देख सकते हैं वीडियो में सामने, अब जौनपुर जंक्शन की जो नई बिल्डिंग है, नया भवन, वो यहाँ पर तैयार हो रहा है। काम बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है, लेबर लगी हुई है। बाहर की तरफ जो प्लास्टर हो गया है वहाँ पर अब पुट्टी वगैरह की जा रही है। और यहाँ पर जौनपुर जंक्शन का प्लेटफॉर्म नंबर जो 6 है उसका निर्माण यहाँ पर किया जाएगा। वर्तमान में 5 प्लेटफॉर्म्स हैं, एक प्लेटफॉर्म यहाँ पर और बढ़ जाएगा। और फुट ओवर ब्रिज यहाँ पर सामने आप देख सकते हैं, सरिया का जाल आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर कॉलम्स खड़े हो रहे हैं धीरे धीरे। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है प्लेटफॉर्म नंबर 6 को बनाने का। ये उसकी ठोकर के लिए यहाँ पर सामान आ गया है। सामने मालगाड़ी खड़ी हुई है, गुड्स ट्रेन। जौनपुर जंक्शन से जाफराबाद जंक्शन की दूरी 6 किलोमीटर है और यहाँ से जो लाइन मुफ्तीगंज की तरफ जाती है 16 किलोमीटर है वो, जिसकी डबलिंग अभी चल रही है। महगावा हॉल्ट यहाँ से 6 किलोमीटर है और जौनपुर सिटी पड़ेगा 12 किलोमीटर। तो ये कुछ दूरियाँ थी यहाँ से। और जैसा आप देख सकते हैं कि जौनपुर जंक्शन का जो प्लेटफॉर्म नंबर 6 है, जिसका निर्माण यहाँ पर विगत 1 वर्ष से चल रहा है धीमे धीमे रफ्तार से, और जैसे जैसे अब मुफ्तीगंज वाला जो ट्रैक है जिसकी डबलिंग चल रही है उसका कार्य धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर भी जो काम है वो तेज़ हो रहा है। क्योंकि जो उसका जो ट्रैक है वो प्लेटफॉर्म नंबर 6 जो यहाँ पर तैयार हो रहा है, यहीं पर जो ट्रैक आएगा उसमें जोड़ा जाएगा, उसको लिंक किया जाएगा, जैसा सुनील बता रहे थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी प्लेटफॉर्म का जो कार्य है प्रारंभिक स्टेज में है, मिट्टी पटाई वगैरह हो रही है और अभी इसकी पूरी ठोकर यहाँ पर तैयार की जाएगी। पीछे बाउंड्री तैयार हो रही है, पीछे बाउंड्री यहाँ पर तैयार की जाएगी। और देखिए किस प्रकार से सरिया यहाँ पर बांध दी गई है जाल बना करके। अभी इसमें कंक्रीट भरा जाएगा, चारों तरफ इसमें बांधा जाएगा जो वुडन हमारे प्लैंक्स होते हैं, ताकि फिर उसके अंदर मसाला कंक्रीट का भरा जा सके। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से वो जी मास्ट वगैरह बीच में आ रहे हैं। तो यहाँ पर अभी प्लेटफॉर्म नंबर 6 जो है उसका निर्माण किया जाएगा और जैसे जैसे कार्य आगे बढ़ेगा डबलिंग का, तो प्लेटफॉर्म का जो कार्य है इसमें भी गति आएगी धीरे धीरे। और जो इसका FOB यहाँ पर बनाया जा रहा है पैदल पुल, उसको फिर जोड़ा जाएगा जो 5 नंबर तक पैदल पुल आ रहा है। तो प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 जुड़ जाएंगे प्लेटफॉर्म नंबर 6 से इस पैदल पुल के ज़रिए। और इसका जो कार्य है यहाँ पर जौनपुर जंक्शन में, ये अब जो लक्ष्य है फरवरी से मार्च 2023 तक आप मान के चलिए कि इसको पूरा किया जा सकेगा। तो ये जो प्लेटफॉर्म नंबर 6 का निर्माण कार्य चल रहा है जौनपुर जंक्शन पर, इसकी झलक आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं यहाँ पर। हालांकि अभी बहुत प्राइमरी स्टेज है, जैसा आप देख सकते हैं सामने काफ़ी सारी अभी मिट्टी पटान इसमें यहाँ पर किया जाएगा और जो किनारे प्लेटफॉर्म की ठोकर बनाई जाती है उसके ऊपर फिर पत्थर के छोटे छोटे स्लैब्स रख के उसकी एक बाउंड्री तैयार की जाती है, सीमा रेखा जिसको हम कह सकते हैं एक प्रकार से प्लेटफॉर्म की। और ब्रॉड गेज के हिसाब से प्लेटफॉर्म भी अच्छा बनेगा, ऊंचा और लंबाई उसकी रहेगी, ताकि 22 कोच की जो ट्रेन आजकल जैसा चल रही है वो उस पर एकोमोडेट हो जाए। तो प्लेटफॉर्म का निर्माण फ़िलहाल यहाँ पर कार्य जो है चल रहा है धीमे धीमे। और उम्मीद है कि अब चूँकि मानसून विदा हो रही है, हालाँकि आज काफ़ी यहाँ बारिश हो रही है लखनऊ में, लेकिन धीमे धीमे अब जिस प्रकार से अक्टूबर की तरफ समय बढ़ेगा तो फिर कार्यों में तेज़ी आएगी। क्योंकि बारिश का सीज़न चला जाता है तो उसके बाद जो ठेकेदार हैं अधिक लेबर लगा करके जो कार्य हमारे चल रहे हैं उनको तेज़ स्पीड किया जाएगा, स्पीड अप किया जाएगा। और जो बिल्डिंग का भी कार्य चल रहा है, पुट्टी वगैरह लगाने का, पेंट,
उस पर भी तेज़ी आएगी। जो बिल्डिंग की फिनिशिंग है अभी वो सारी अभी बाकी है जौनपुर जंक्शन की, तो ये सारे कार्य यहाँ जौनपुर जंक्शन में देखिए चल रहे हैं जिस पर आज हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर गुड्स ट्रेन देखिए सामने खड़ी हुई है एक, और अभी ये जो जितनी भी झाड़ियाँ आपको नीचे दिख रही हैं ये सब साफ़ की जाएंगी। और ये पीछे की तरफ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो प्लेटफॉर्म हमारा नया बनेगा उसकी ठोकर जो आगे तैयार की जाती है, वो सारे ब्लॉक्स यहाँ पर कंक्रीट के सीमेंटेड ब्लॉक्स जो होते हैं वो रखे हुए हैं, जिनको कि अभी डाला जाएगा। कुछ नाली जैसी आप देख रहे हैं यहाँ पर खुदाई भी हो रही है मास्ट के पास से। साथ ही साथ एक जानकारी आपको और देनी है कि जौनपुर जंक्शन से जौनपुर सिटी के बीच भी रेल लाइन का निर्माण किया जाना है, जिसके लिए ज़मीन जो है अधिग्रहित वो हो चुकी है, ज़मीन ली जा चुकी है, और बहुत जल्द उम्मीद है कि उस प्रोजेक्ट पर भी कार्य शुरू हो जाएगा जैसा सुनील भाई बता रहे थे। और वो जब भी कार्य शुरू होगा उसकी अपडेट भी हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। जब जौनपुर जंक्शन को जौनपुर सिटी से जोड़ा जाएगा, वो जब भी कार्य शुरू होगा आने वाले समय में, उसकी भी अपडेट्स हम आप तक लाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो फिलहाल ये ताज़ा स्थिति है यहाँ पर जौनपुर जंक्शन में, जहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 6 का जो निर्माण है वो शुरू हो गया है। बिल्डिंग जो है उसकी फिनिशिंग चल रही है, उसको कंप्लीट करके जल्द से जल्द कोशिश की जा रही है कि वो फंक्शनल हो जाए। तो ये जौनपुर जंक्शन से आज की बात, और उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा।